सोशल मीडिया पर फिर से ट्रोल्स के निशाने पर आई हैं अरमान मलिक की पहली वाइफ पायल मलिक। मलिक को लेकर लोग कर रहे हैं काफी सारे नेगेटिव कमेंट और वजह बना है उनका नए गाने में कृतिका के बेटे को ना लेना। जी हाँ, हाल ही में कृतिका मलिक पायल मलिक ने एक गाने का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने फैंस को बताया कि बहुत जल्द उनका नया गाना आ रहा है जन्माष्टमी के मौके पर। पोस्टर में आप देख सकते हैं कि अरमान मलिक अपनी दोनों बीवियों यानी कि कृतिका मलिक और पायल के साथ नजर आ रहे हैं। उनकी गोद में पायल का बेटा आयान नजर आ रहा है और पीछे बैकग्राउंड में जो पायल का बड़ा बेटा है चीकू, वो बांसुरी लिए नजर आ रहा है। मौका साफ है कि जन्माष्टमी के मौके पर अरमान मलिक ने नया गाना लॉन्च किया है, जिसमें जन्माष्टमी को लेकर जो आयान है पायल का बेटा, उसे श्री कृष्णा बनाया गया है। इस गाने का पोस्टर रिलीज करने के साथ ही फैंस को अरमान मलिक की फैमिली ने बताया कि जल्द इस गाने को आप इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही पायल मलिक कृतिका मलिक ने इस गाने के पोस्टर को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, लोगों को एक बड़ी वजह मिली पायल को ट्रोल करने की। दरअसल हुआ ये कि इस पोस्टर में कृतिका मलिक के बेटे जैद को ना देकर लोग भड़क गए। लोगों का मानना है कि अगर जन्माष्टमी का गाना आ रहा है और इसमें श्री कृष्ण का किरदार निभाना है, तो उसके लिए आयान से बेहतर जैद है। लोगों का मानना था कि पायल ने जानबूझकर इस गाने में अपने बेटे आयान को डाला, जबकि इस गाने में जैद को भी होना चाहिए था। पोस्टर में गाने में जैद को ना देखने के बाद लोगों ने पायल पर ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने जानबूझकर कृतिका के बेटे को इस गाने से बाहर करा दिया। कमेंट में आप देख सकते हैं कि लोग पायल को लेकर कितने ज्यादा नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। लोग पायल को लेकर लिख रहे हैं कि पायल ने जानबूझकर अपने बेटे को इस गाने में डलवाया, जबकि जैद को बाहर कर दिया। इसके साथ ही लोग जैद को लेकर काफी सारे कमेंट करने लगे कि हमें इस गाने में सिर्फ और सिर्फ जैद चाहिए। इसके साथ ही लोगों ने पायल के बारे में कहा कि पायल जो हैं वो जैद से जलती हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने इस गाने में दोनों बेटों को रखा, जबकि जैद को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कॉमेंट में आप पायल को लेकर लोगों की नाराजगी नफरत देख सकते हैं, क्योंकि लोगों को शुरू से यही लग रहा है कि पायल सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए कृतिका के बेटे को इस्तेमाल करती है, और अब जब मौका आया था जैद के लिए अपना प्यार जाहिर करने का, जैद के लिए अपने प्यार को सबके सामने रखने का, तो ऐसे में पायल ने सिर्फ अपने बेटे आयान को चुना। आप पोस्टर में देख सकते हैं कि इस पोस्टर में इस गाने में पायल के दोनों बेटे नजर आ रहे हैं, जबकि जो कृतिका है वो उतना ही आयान को प्यार करती है जितना कि वो जैद को करती है। हालांकि व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए ये पूरी फैमिली किसी भी हद तक गुजर सकती है, ये बात आप सभी जानते हैं। फिलहाल तो गाने को लेकर आपकी क्या राय है? कि आपको भी लगता है कि पायल ने जानबूझकर कृतिका के बेटे जैद को इस गाने से बाहर कर दिया है? अगर आपको भी लगता है कि लोग जो पायल के लिए नफरत इस टाइम पर जाहिर कर रहे हैं वो ठीक है, तो जो भी कहना चाहें हमारे कॉमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।